स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सुप्रसिद्ध कपाल मोचन मेले के बारे में एक विषय काफी वर्षों से चर्चा में है कि इस मेले में यदि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या एमएलए आता है, स्नान करता है, पूजा अर्चना करता है, तो वह आगे कभी भी ना तो सीएम रहता है, ना ही मंत्री, ना ही एमएलए, यानी वह आगे कभी भी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता। और ऐसा संयोग भी हुआ कि कोई सीएम या मंत्री जब इस मेले में आया और उसने आकर यहां पर पूजा अर्चना की, तो आगे उसकी सीएम की कुर्सी उसके पास ना रही, ना ही वह मंत्री रहा, और उसने आगे कभी भी विधानसभा का मुंह नहीं देखा। और इसी भय के चलते 1977 से अब तक कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री इस मेले में न आया, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी छीन जाने का भय था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने इस बार ही इस मेले में आने का मन बनाया तथा वे आज गुरुपर्व के अवसर पर इस मेले में पधारे। न केवल वे स्वयं पधारे बल्कि अपने साथ शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर, वे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, वे सांसद रतनलाल कटारिया, वे नायब सिंह सैनी को भी साथ लेकर आए। वे न केवल इस मेले में पधारे बल्कि उन्होंने समस्त सरोवरों में जाके पूजा अर्चना की, वे गुरुद्वारे में भी गए तथा मत्था टेका। जब वो एक सरोवर में पूजा अर्चना के पश्चात लौटे तो हमारे चैनल ने उनसे बात की तथा इस बाबत उनको शुभकामनाएं भी दी। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमारे चैनल को बताया कि 45 वर्ष के बाद कोई मुख्यमंत्री यहां पर आया है और वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो 45 वर्ष के बाद इस मेले में पधारे हैं। जब हमने मुख्यमंत्री को इस बारे में बधाई दी तो उन्होंने हमसे क्या कहा, जरा सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत नजदीक है हमारे, कोई बात है। आपको बहुत बहुत बधाई जी, आपने एक इतिहास रच दिया, छप्पन का आप बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन शुभकामनाएं जी, इतिहास को 23 और 20 43 दो 45 साल बाद रचा जा रहा है। जी जी जी, धन्यवाद। मेले में अपने आगमन के पश्चात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो एक प्रश्न उनसे यह भी किया गया कि यह कहा जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री यहाँ आने से कतराता है, उसे अपनी कुर्सी छीनने का भय रहता है, तो आप यहाँ पर कैसे आ गए, तो इस बारे में मुख्यमंत्री ने ये कहा। सीएम साहब, इस तीर्थ स्थल को लेकर एक जो है वो मिथ बना हुआ था सर कि यहाँ पर मुख्यमंत्री या फिर सरकार के मंत्री या नेता नहीं आते हैं, चूंकि यहाँ आते हैं तो उसके बाद वो दोबारा विधानसभा नहीं जा पाते हैं। ये ठीक है कि समाज में कुछ चीजों का अंधविश्वास होता है, लेकिन कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति ऐसे किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। ये जो मिथ आपने बताई है, मुझे जानकारी दी गई है कि 1970 के बाद यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। पहले यहाँ हरियाणा के, पंजाब के मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन 77 के बाद कोई आया नहीं है। जब मुझे ये पता लगा और कम दिन पहले ही मुझे पता लगा तो मैंने निर्णय किया कि मेरा कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं 19 तारीख को प्रातःकाल, आज मैंने दो बैठक अपनी कैंसिल करके और स्पेशली कपाल मोचन इस पवित्र त्योहार पर दर्शन करने के लिए आया हूँ, पंचरानी मैंने की। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे पहले मुझे बताया गया था कि मधुबन ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं गया पिछले 30 सालों से लगभग, वहां भी मैं 3 बार जाके आया हूँ। और कपाल मोचन में भी आज तो मैं मेले के अवसर पर आया हूँ, एक बार मैं बीच में पहले आके जा चुका हूँ, आदि मंत्री जाते समय एक बार मैंने दर्शनीय जी। मुख्यमंत्री ने इस विषय को मात्र अंधविश्वास बताते हुए कहा कि वे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखते। खैर, यह एक अंधविश्वास है या एक संयोग है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मेले में पधारकर सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और वाही वाही बटोरी है। खैर, अच्छा कार्य करने वाले का आने वाला समय भी अच्छा ही रहता है। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।